नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में हम बात करेंगे बजट से पूर्व जो विचार विमर्श की बैठकें थी उसका दौर खत्म हो चुका है। तमाम जो हितधारक थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ बैठकों का दौर अब खत्म हुआ है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो रूस का दौरा है कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पर हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ खास रहेगा। ये तमाम खबरें आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर। पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी महत्वपूर्ण बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया पूरा। बजट से जुड़े 10 संबंधित समूह के 120 से अधिक लोगों के साथ बजट से पहले किया मंथन। वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश करेंगे मोदी सरकार 3.0 का सरकार का पहला पूर्ण बजट। शेयर बाजारों में जोखिम भरे वायदा विकल्प कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का किया गठन। ये कमेटी डेरिवेटिव्स कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए 7 प्रस्तावों पर करेगी विचार। साथ ही कमेटी इससे जुड़े नियमकीय मुद्दों पर भी करेगी चर्चा। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सपाट कारोबार के साथ बंद हुए थे घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स लाल निशान, वहीं निफ्टी हरे निशान के साथ हुआ था बंद। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी क्या कुछ खास जब हम बात करते हैं अर्थ जगत को लेकर। लेकिन आइए इकोनॉमी टुडे में सबसे पहले बात करते हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत और दूसरे क्षेत्रों से संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श पूरा कर लिया है। इसे बजट पेश करने की तैयारी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। बजट पूर्व परामर्श 19 जून से शुरू हुआ था जो 5 जुलाई तक चला। इसमें करीब 10 हितधारक समूह के 120 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा व्यापारिक संगठन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्योग और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। गौरतलब है कि मोदी सरकार 3.0 सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इस साल चुनावी वर्ष होने की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। 23 जुलाई को वित्त मंत्री लोकसभा में अब दोबारा बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। और अब बात करते हैं अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सेबी ने यह दावा किया है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी इसके पब्लिश होने के करीबन 2 महीने पहले ही अपने क्लाइंट को शेयर की थी। इसे न्यूयॉर्क के हेजन फंड मैनेजर मार्क किंगन को शेयर किया गया और साथ ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव का फायदा भी उठाया गया था। सेबी ने हिंडनबर्ग को भेजे अपने 40 पेज के कारण बताओ नोटिस में विस्तार से बताया है कि कैसे अमेरिकी शॉर्ट सेलर न्यूयॉर्क के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर को समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आई भारी भरकम $150 अरब की गिरावट से लाभ हुआ। सेबी ने न केवल हिंडनबर्ग को बल्कि KMIL किंगडन और हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन को भी नोटिस भेजा है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों से क्वांटम मानकीकरण और परीक्षण प्रयोगशाला पर शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये प्रयोगशालाएँ नवाचार केंद्र के रूप में काम करेंगी और क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपर, टेस्टिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एकेडमिक रिसर्चर को एक साथ लाएंगी, जिससे सभी के लाभ के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 है। ये पहल प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण जैन अनुसंधान के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को समर्थन देना है। ये भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने और इस अत्याधुनिक क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में सरकार का एक प्रयास है।
और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। सबसे पहले नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी की अगर खास तौर से बात की जाए तो 24 अंकों की जो गिरावट है वो फिलहाल देखी जा रही है। इसके बाद ये 24,384 पे आज शुरुआत तौर पे जो कारोबार है वो करता नजर आया। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की शुरुआत की तो आप देख सकते हैं गिरावट के साथ हुई है, करीब 94.97 अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिली। उसके बाद ये 79,901.63 पर शुरुआती तौर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। और वहीं निफ्टी 50 पे अगर नजर डालें तो यहाँ भी करीब 29.90 अंकों की जो गिरावट है वो देखी गई है, जिसके बाद ये 24,293.95 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप गेनर्स पर। जो आज के टॉप गेनर्स हैं आप देख सकते हैं ONGC, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्लान, हिंदू यूनिलीवर, यानी ये वो तमाम गेनर्स जहां पे हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार होता है होता हुआ हमने देखा है शुरुआती दौर में। लेकिन वो कौन से लॉसर्स रहे जहाँ पर आज नुकसान जो है गिरावट के साथ देखा जा रहा है? दरअसल टाइटन, श्रीराम फिन, ICICI बैंक, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ यहाँ कारोबार होता नजर आया, जिसके बाद ये टॉप लॉसेस की श्रेणी में नजर आ रही है। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या स्थिति शुरुआती तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के फोकस की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को लेकर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। 5 साल बाद रूस जा रहे पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम होने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में कई समझौतों पर मोहर लगने की संभावना है। भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, पारंपरिक सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ ही देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती देने का काम करेगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा जो है मानी जा रही है। और खासतौर से अगर बात की जाए भारत और रूस के जो आर्थिक संबंध हैं वो लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए वाणिज्य विभाग के जो आंकड़े हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अभी तक के उच्चतम स्तर पर है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो व्यापार है दोनों देशों के बीच वो दर्ज किया गया है, द्विपक्षीय व्यापार जो है। और खासतौर से जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, देखिए वित्त वर्ष 2023 और 2024 में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $65.70 बिलियन दर्ज किया गया है। इतना अनुमान नहीं था लेकिन अनुमान से ज़्यादा जो व्यापार है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अगर हम बात करें तो करीब 33% ये अधिक रहा है। यानी जो आंकड़ा हमने आपको बताया है 65.70 बिलियन का, वो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 33% ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही खासतौर से भारत से रूस को करीब अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो $4.26 बिलियन का जो निर्यात है वो दर्ज किया गया है वित्त वर्ष में। यानी लगातार जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो एक्सपोर्ट है हमारा बढ़ सकता है, जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, और इसमें जो निर्यात देखिए सबसे ज़्यादा हुआ है वो फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें, कार्बनिक रसायन की बात की जाए, या जो विद्युत मशीनरी है उसका निर्यात हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सामान हैं, उत्पाद हैं, क्षेत्र जिनका हुआ, देखिए उसमें यांत्रिक उपकरण की हम बात करें, लोहा या इस्पात की भी बात की जाए तो इसका भी रूस को निर्यात किया गया है। ये अलग अलग जो उत्पाद जिनका निर्यात किया जा रहा है, लेकिन और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावनाएं हैं। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसके बाद कुछ और भी जो रास्ते हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, और उसमें हम खासतौर से उम्मीद करके चल रहे हैं कि कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
अभी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय निवेश है उसमें भी मजबूती आई है। यानी जो निवेश है दोनों देशों के बीच उसमें भी हमने इजाफा होता हुआ देखा है। खासतौर से 2018 की अगर हम बात करें तो निर्धारित $30 बिलियन का जो लक्ष्य है वो उसके पार हम पहुँच चुके हैं। 2018 में निर्धारित किया गया था $30 बिलियन का जो लक्ष्य है, लेकिन उसके बाद एक नया लक्ष्य हमारे सामने आया। खासतौर से 2025 तक अब $50 बिलियन का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। यानी जो दोनों देशों के बीच निवेश की जो स्थिति है 2025 तक वो करीब $50 बिलियन रहेगी और खासतौर से भारत और रूस के बीच जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उसमें करीब 60% का जो व्यापार है वो होता है दोनों देशों के बीच की स्थिति की अगर खासतौर से बात की जाए। और ऐसे में जब आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं रूस को लेकर और पिछले कुछ सालों की बात की जाए, करीब 3 साल पहले या 5 साल पहले की भी हम बात करें, उसके बाद से काफ़ी महत्वपूर्ण मजबूत संबंध जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं रूस के साथ। लेकिन इस बीच वहाँ पर जो खासतौर से जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, प्रवासी, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और सबसे खास बात है यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है तमाम उम्मीदों के साथ इस यात्रा को देख रहा है कि जब दोनों नेता बात करेंगे तो यहाँ का जो बिजनेस है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, वो कैसे और ज़्यादा बेहतर होंगे। यहाँ के इंडियन डायस्पोरा में तमाम जो लोग हैं, तमाम बिजनेस जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इंडियन डायस्पोरा इस यात्रा को किन उम्मीदों से देखता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज द लिमिट। हम लोग ये नहीं देख रहे कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर आल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन। आयुर्वेदा है, न्यूट्रोस्वेटिकल्स है, विटामिन है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है उनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ एक दो कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज़्यादातर तो लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। भारतीय समाज इस तरह से पूरा आत्मविश्वास के साथ विविध देशों में जो दिखाई दे रहा है, इसका पूरा पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को है। रशिया में साहेब आपनों स्वागत है। गुजराती और इंडियन डायस्पोरा तमारू खूब खूब वेलकम करवा माटे हमें वेट करी रहा छे अने तमारा आववा थी खूबज उत्साहित छे। पूरा गुजराती समाज अने पूरो भारतीय समाज उत्साहित छे। ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आए और जहाँ के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो। तो देखा आपने रूस में जो प्रवासी व्यवसायी हैं उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं और कहना उनका यही कि और मजबूती जो है वो आर्थिक तौर पर हमें मिल सकती है। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर अनिल कुमार प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को हम देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूती जो है इन आर्थिक रिश्तों में आई और उसका लाभ दोनों ही देशों को हुआ है। देखिए मुकुल जी, आज भी भारत और रशिया का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है लॉन्ग टर्म की, जिसको हम बोलते हैं टाइम टेस्टेड है, वो जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन में है। लेकिन उसके साथ साथ पिछले 3-4 सालों में और खास करके रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद द्विपक्षीय व्यापार में बहुत तेज गति से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम पिछले साल की तुलना भी करें तो 33% तकरीबन दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ा है। और उससे भी बहुत बड़ी बात मैं सोचता हूं कि आज टोटल जो हमारा व्यापार है, सारे व्यापार का 60% नेशनल करेंसीज में हो रहा है, रुपए में और रशियन की करेंसी में। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अभी तक हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्विफ्ट में बैन की वजह से,
तो आज जो मोदी जी का दौरा है रूस में और जो एक समिट लेवल पर जो मीटिंग है उसमें काफी कुछ उम्मीदें न केवल प्रवासी भारतीयों को है बल्कि रशिया के लोगों को और भारत के लोगों को भी है। इसमें अगर मैं कुछ चीजें गिनाऊं तो सबसे पहले जो जरूरत है वो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को डेवलप करने की है स्विफ्ट की जगह, जिससे कि जो व्यापार है वो काफी तेज गति से बढ़ रहा है उसमें बहुत तेजी से क्विक और इजी ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि स्विफ्ट में बैन लगा हुआ है उसके चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर सिग्नेचर होने की संभावना है जिसमें 2025 में हमारा लक्ष्य है 50 बिलियन डॉलर तक हमारा इन्वेस्टमेंट लेके जाने की। और दूसरा, जो ये टूरिस्ट हमारे देश के वहां पर जाते हैं, वहां के टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं और जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको भी नेशनल करेंसी का यूज परमिट हो जाए, इसकी उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद इस समिट से हम कर सकते हैं। और साथ साथ जो रूपी कार्ड है हमारा, काफी जो हमारे देश का रूपी कार्ड है और रशिया का जो मिर कार्ड है, MIR कार्ड है, दोनों का मेरे को लगता है कि अगर यूज होगा तो दोनों पक्षों में और ज्यादा संबंध, ट्रेड वाले संबंध, व्यापार वाले संबंध और ज्यादा प्रखर होंगे। बिल्कुल अनिल जी, और ख़ासतौर से ये काफ़ी अहम है जो मोड ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि सुगमता जो है इसके ज़रिए आ सकती है, आसानी जो है, सुलभता जो है वो हो सकती है, ना सिर्फ जो भारतीय वहाँ जाते हैं बल्कि जो रूस में भी जो जिस तरीके से लोग रह रहे हैं उनके लिए भी अगर देखा जाए उनको भी शायद आसानी होगी। तो अगर एक मुख्य कारक माना जाए, क्या माना जाए, क्या जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा लगातार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, क्या उसकी एक वानगी वहां भी हमें देखने को मिल सकती है? ऐसी संभावना है, क्योंकि हमने हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया और हम काफी दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। आज हमारे देश के स्ट्रक्चर का, डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर का कोई सानी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि इस दौरे से, इस समिट की मीटिंग से इसकी भी संभावना है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने जो डेवलप किया है, जो विकसित किया है, उसका फायदा रशिया के लोगों को भी हो, रशियन अर्थव्यवस्था को भी उसके साथ साथ हो। उससे और ज्यादा फायदा क्या होगा कि जब दोनों सिस्टम्स एक जैसे हो जाएंगे तो व्यापार में और द्विपक्षीय, जो हमारे टूरिस्ट जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं और आते हैं, और कई आयाम में जो हमारे पेमेंट्स की सुविधा है और ज़्यादा वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, और ख़ासतौर से जब हमारे देश से निर्यात की बात हम करते हैं, जो भारत से रूस को निर्यात अगर देखा जाए, फार्मास्यूटिकल हो, यांत्रिक उपकरण हो या जो दूसरे भी उत्पाद हैं, उसके साथ साथ अब प्रयास शायद ये भी रहेगा जो कृषि है या जो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, देश हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकता है, इसको लेकर भी क्या कुछ तेज़ी या जो बढ़ावा है निर्यात को मिलता हुआ नज़र आएगा? बिल्कुल, आज हमारे देश की प्राथमिकता एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी निर्यात की संभावनाओं का, काफी अच्छी संभावना है। और जिस तरह का हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन रहा है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बन रहा है और इलेक्ट्रिक मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, तमाम इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर कि हमारा निर्यात बढ़ाने की संभावना है। साथ साथ उसके साथ साथ जो हमारे सर्विस सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, उसमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, निर्यात चल रहा है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स को भी मेरे को लगता है बढ़ावा होगा। और एक बात मैं और इसके साथ मैं जोड़ूंगा, एक फार ईस्ट पॉलिसी के तहत रशिया भी, रूस भी ये उम्मीद करता है कि हम भारतीय कंपनी वहां पर फार ईस्ट रीजन में वहां पर अच्छा इन्वेस्ट करें। और क्योंकि भारत ने पीछे प्रॉमिस भी किया था कि हम $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द रशियन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए कमिट किया था, तो उसके तहत भी मेरे को लगता है कि आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठेंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ जब हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें और रक्षा क्षेत्र जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुछ जो आयात किया जाता है रूस से रक्षा क्षेत्र को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति जो है वो नज़र आती है भारत की। देखिए, ऑयल और कोल तो हम ऑलरेडी रशिया से काफी इम्पोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ उसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारा समझौता है और हमारा जो आपस में सहयोग है वो जग विदित है। मेरे को लगता है कि हमारे जो आज हम डिफेंस के सेक्टर में भी
सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो उसके अंदर मेरे को लगता है कि रूस की भूमिका काफी अहम है और इससे हमारे देश में जो रक्षा के उपयंत्र जो बनते हैं, प्रोडक्शंस होता है, उसको भी बढ़ावा मिलने की मेरे को आशा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अनिल जी अगर हम बात करें, क्योंकि जो व्यापार की सुगमता है उस पर उम्मीद की जा रही कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बातचीत होगी, और क्या नए ट्रेड रूट को लेकर भी हम मान सकते हैं कि कोई ऐसे बिंदु जो कि कहीं ना कहीं चर्चा में आएंगे? देखिए, मेरे को लगता है दो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो सुगमता से व्यापार हो सके, जैसे मैंने पहले कहा कि 60% जो व्यापार है वो नेशनल करेंसी में होता है, और स्विफ्ट के बैन होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, तो एक बहुत जरूरत है आज के टाइम में कि हम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की तरफ दोनों देश काम करें, और ऐसा नहीं, अल्टरनेटिव चाइना ने भी पीछे डेवलप किया था, उसमें थोड़ी खामियां थी, अगर उसके ऊपर और काम किया जाए तो वो बहुत अच्छा सुगमता से व्यापार करने का मैकेनिज्म बहुत जल्द मेरे को लगता है डेवलप हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और इसके अंदर मेरे को लगता है काम भी होगा। जी, तो मेन जो इसके अंदर मुद्दा रहेगा मेरे को लगता है वो यही वाला मुद्दा रहने वाला है कि कैसे हम पेमेंट की सुगमता को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो दौरा है प्रधानमंत्री का अनिल जी, आर्थिक रूप से जब हम क्योंकि बात कर रहे हैं, कितनी मजबूती इसके जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम मान के चले, मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक दौरा होने वाला है, क्योंकि अगर इन सब चीजों पर एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, इसकी काफी उम्मीद भी हम कर रहे हैं, तो ये एक इतिहास बनेगा और एक नया आयाम भारत रूस के व्यापारिक संबंधों में खुलने वाला। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर एक नया अध्याय भारत रूस के जो व्यापारिक संबंध हैं उसमें नजर आ सकता है, और ये जो रिश्ता है और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारत रूस के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उनमें और मजबूती की हम उम्मीद करके चल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। शेयर बाजार में जोखिम भरे वायदा विकल्प कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह 7 प्रस्तावों पर विचार करेगा। ये विशेषज्ञ समूह इससे जुड़े नियामकीय मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। साथ ही समूह के सदस्य निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने और बाजार खंड में जोखिम में सुधार करने के लिए अल्पकालिक रणनीतियों की सिफारिश भी करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश भर में 100 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। इस दौरान बैंक की अपने नेटवर्क में 100 नए ATM जोड़ने की भी योजना है। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक स्वरूप कुमार साहा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 100 शाखाओं के जुड़ने से 2024-25 के अंत तक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 1665 तक पहुंच जाएगी और ATM की संख्या भी 1135 हो जाएगी। इस सप्ताह में 13 जुलाई को HDFC बैंक एक सिस्टम अपग्रेड करेगा। इस दौरान बैंक की कई सेवाएं करीब 14 घंटों के लिए आंशिक या पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगी। बैंक देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों और व्यवसायों के अपने बड़े ग्राहक आधार के लिए ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए अपनी कोर बैंकिंग सिस्टम को एक नए इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा है। HDFC बैंक ने कहा कि इस माइग्रेशन का मकसद प्रदर्शन की गति में सुधार करना, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम को प्रतिबंधित करने की क्षमता बढ़ाना और विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है। जापानी एनालिटिकल और मेजरमेंट सॉल्यूशन कंपनी होरिबा भारत में एक ऐसा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है जो देश में आगामी फैब इकाइयों और OSAT और ATMP कंपनियों के साथ साथ वैश्विक बाजार की भी जरूरतें पूरी करेगा। कंपनी हाई एंड रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी निर्माण करती है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर उद्योग में अन्य एक्टिव मटेरियल की जांच में किया जाता है। कंपनी ये उत्पाद फ्रांस में तैयार करती है। कंपनी ने हाल में नागपुर में एक आधुनिक चिकित्सा उपकरण इकाई स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कर्ज में डूबी कंपनी PC ज्वेलर को पंजाब नेशनल बैंक से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को PNB से बकाया राशि के वन टाइम सेटलमेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। PC ज्वेलर ने स्टॉक एक्सचेंजों को ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि PC ज्वेलर को लोन देने वाले संघ में लीडिंग बैंकों में से एक PNB ने पत्र के माध्यम से अपने इस फैसले के बारे में बताया है।
नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में एफपीओ मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के अंतिम दिन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करेंगे और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कृषि मंत्रालय के तहत लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ ने किसानों को अधिक बिक्री का मौका देने के लिए इस मेले का आयोजन किया है। जून में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार IPM में 8.8% की वृद्धि हुई। मार्केट रिसर्च फर्म फार्मारेक के अनुसार इस दौरान सभी प्रमुख थेरेपी में सकारात्मक मूल्य वृद्धि हुई है। नई पेशकश, मूल्य आधारित वृद्धि और मात्रात्मक वृद्धि जैसी IPM की सभी तीन श्रेणियों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जिससे इस साल जून में कुल मूल्य वृद्धि 8.8% रही, जबकि पिछले साल जून में ये 6% थी। तो जाना आपने कारोबार जगत में आज क्या कुछ खास रहा, लगातार आपको ये खबरें हम बताते हैं इकोनॉमी टुडे में, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त पर, बताएंगे आपको कारोबार जगत में क्या रहेगा खास। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।